हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे? प्यारे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेंज लॉ, जिसमें कई बार बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि सर ये लेंज लॉ किस तरीके से लगाया जाए। लेकिन आज मैं इस लेक्चर में इतने सारे एग्जांपल्स के साथ इस लॉ को ऐसे समझाने वाला हूँ कि दुनिया की कोई ताकत लेंज लॉ के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आपको करने से नहीं रोक सकती। इससे पहले वाले लेक्चर में, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो लेक्चर अटेंड करना ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो बताया, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताएं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो समझाया। बच्चे, अगर आपने वो अटेंड कर लिया है तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। लेकिन नहीं अटेंड किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके पीछे का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आज का लेक्चर फर्स्ट टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। आगे बढ़ने से पहले कुछ रिकैप कर लें जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसके लॉस क्या है वो मैंने बताया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जल्दी से सुन लें, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर हम बात करें इस तरीके से, ये एक कॉइल है, इसके पास ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट से निकलती हुई कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, थोड़ी मैंने गड़बड़ बना दी हैं, एक दूसरे से टच नहीं करती हैं। किसी भी मैग्नेट से निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी एक सरफेस से पास होती हैं। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एक सरफेस को क्रॉस कर रही हैं उसके परपेंडिकुलरली, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े या मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो, तो उससे उस कॉइल में एक करंट बनता है, एक ईएमएफ बनता है, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, जितनी तेजी से पास में लाएंगे या जितनी तेजी से दूर ले जाएंगे, जितनी तेजी से फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ किस लिए यूज होता है ये जान लो। हमने लास्ट लेक्चर में ये तो पढ़ा कि हम इसको पास में लाएंगे तो फ्लक्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी है इसमें इंड्यूस करंट ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा। लेकिन इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में बनेगा वो हमने नहीं बताया था आपको। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए ही लेंज लॉ यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है और लेंज लॉ से कैसे डिपेंड करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, देखते हैं क्या है ये पूरा लेंज लॉ। लेंज लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इससे पहले इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है वो जान लो। लेंज लॉ ये कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल then induced current is produced in it in such a direction that it opposes the cause which is producing it. प्यारे, ये मैंने definition लिखी है, ये समझ में नहीं आ रही होगी कि the induced current is, पहली line तो समझ में आई, whenever there is a change in magnetic flux then induced current is produced, ये तो मालूम है। लेकिन ये क्या लिखा है, then induced current is produced in the coil in such a direction that it opposes the cause which is producing it। पहले भैया रट लो, फिर उसके बाद समझाऊंगा ये लेंज लॉ क्या है। फिर से कि कभी भी किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा दैट इट अपोजेस द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी कॉइल के पास अगर हम मैग्नेट लाएंगे, मान लें ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा सर्कुलर कॉइल में। लेकिन इस तरीके से इंड्यूस करंट बनेगा इस सर्कुलर कॉइल में कि जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जिस वजह से इंड्यूस करंट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, उस वजह को अपोज किया जा सके, उस वजह को रोका जा सके। जैसे अगर इस कॉइल के पास हम मैग्नेट ला रहे थे तो इसमें इंड्यूस करंट बन रहा था इस मैग्नेट को पास में लाने की वजह से, तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि ये मैग्नेट पास में
ना आए, पास में ना आए का मतलब ये है कि ये इसका नॉर्थ पोल था अगर, तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि ये इसको वापस भेजे। तो सोचो इसमें अगर इधर वाले फेस पे अगर नॉर्थ पोल ही बन जाए तभी तो ऐसा हो पाएगा कि ये जो नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा था इसके नॉर्थ पोल से रिपेल होके अपोज होगा। तो यही लॉ है कि अगर आपको जानना है कि इंड्यूस करंट कैसे बनेगा तो ये जानने की कोशिश करो कि जिस कॉज की वजह से वो बन रहा है उस कॉज को अपोज कैसे किया जा सके। एग्जाम्पल के साथ देखो, जैसे कि मान लें ये देखिए इस तरीके से ये मैग्नेट हम इसके पास में ला रहे हैं, मैग्नेट पास में ला रहे हैं, अभी इसको भूल जाओ, इस तरीके से मैग्नेट इस सर्कुलर कॉइल के पास में ला रहे हैं तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से इंड्यूस करंट इसमें बनेगा, लेकिन इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि ये मैग्नेट पास में ना आए। और पास में ना आए वो तब हो सकता है अगर इंड्यूस करंट बनने से यहाँ पे साउथ पोल ही डेवलप हो जाए, तो आप देखिए साउथ साउथ को रिपेल करेगा तभी ये इसको अपोज कर सकता है। और अगर साउथ बनेगा तो साउथ का मतलब क्या होता है, आपने क्लॉक फेस रूल इस तरीके से पढ़े हुए हैं, क्लॉक फेस रूल आपने पढ़े हुए हैं प्यारे बच्चे, अगर नॉर्थ अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे आप देखिए अगर साउथ पोल बनेगा तो साउथ का मतलब क्या होता है कि करंट यहाँ कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा मतलब ऐसे जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस लो, अगर मान लें कि मैग्नेट को दूर ले जाएं तो क्या इसमें इस कॉइल में इंड्यूस करंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा, मैग्नेट के दूर जाने से क्या होगा, इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है, इससे मैग्नेटिक मैग्नेट जब दूर जाएगी तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होने लगेगी, कॉइल से दूर जाने की वजह से इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने से इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि ये मैग्नेट दूर ना जाए। सोचो ये दूर जाने की वजह से यहाँ करंट बन रहा है तो यहाँ पे करंट ऐसे बनेगा कि ये दूर ना जाए, मतलब अगर ये साउथ पोल है तो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाए जो इसे दूर ना जाने दे, ऑब्वियसली कौन सा पोल बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। और अगर हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बना है तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब यहाँ करंट कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं लेंज लॉ से। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐसा कैसे कह दिया कि करंट ऐसे बनेगा कि उसको अपोज किया जा सके जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है। प्यारे इसका भी रीजन है, बिल्कुल इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी ये लेंज लॉ जो मैंने समझा दिया है आपको बता दिया है, इसके ढेर सारे मैं एग्जांपल्स करवाने वाला हूं ताकि पूरी तरीके से दिमाग में आपके बस जाए। लेकिन लेंज लॉ ऐसा कैसे कह पाए, लेंज ऐसा कैसे कह पाए, वो इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूं। चलिए इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये इस तरीके से एक आपकी मैग्नेट है, ये इस तरीके से सर्कुलर कॉइल है, इसमें इसको पास में ला रहे हैं, पास में लाने से इसमें करंट कैसे बनेगा वो बताने के लिए आप लेंज लॉ लगाओगे। लेकिन बच्चे ये बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन बताने से पहले ये देखना कि जिस कॉइल में हमें डायरेक्शन बताना है वो कॉइल हम देख किधर की तरफ से रहे हैं, क्या कॉइल के राइट साइड में खड़े हैं या कॉइल के लेफ्ट साइड में खड़े हैं। अगर आप गलत जगह खड़े होकर आंसर देखेंगे तो गलत आंसर आएगा, बिल्कुल ऑपोजिट आंसर आएगा, जीरो मार्क्स मिलेंगे। इसलिए पहले तो ये पहचानो कि किधर की तरफ से खड़े हैं, इधर से या इधर से, देख पा रहे हैं क्या, बता पा रहे हैं किधर से खड़े हैं, बिल्कुल हम इसको राइट साइड से देख रहे हैं। कैसे, ये डॉटेड लाइन हमें बताती है कि हम इसे किधर से देख रहे हैं। जैसे मान लें ये एक सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल ये बनाइए, एक सर्कुलर कॉइल बने ये बनाइए, अभी इसमें मैंने इस तरीके से ऐसे कर दिया, ये देखिए इस तरीके से ऐसे कर दिया, ये लीजिए ये इस तरीके से ऐसे कर दिया, और यहाँ पे इस तरीके से इसे ऐसे कर दिया। अब आप देखिए दोनों सर्कुलर कॉइल पहले दिखने में एक सी थी, लेकिन अब डिफरेंस हो गया, उसको भूल जाओ उस वाली कॉइल को, इसको देखो, अगर मैंने इसके ऊपर लाइन यहाँ तक बनाई है इसका मतलब हम इधर से देख रहे हैं, और इसको देखिए, वैसे तो देखने से पता चल रहा है साफ साफ कि इसको किधर से देख रहे हैं, इसको किधर से देख रहे हैं, इसको इधर से देख रहे हैं, इसको उधर से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को इमेजिन करने में परेशानी हो रही है, तो उसके लिए ये है कि ये जब कॉइल बनाते हैं तो एक बीच तक लाइन बनाते हैं, पीछे से निकालते हैं,
तो बीच तक लाइन जहां इसके ऊपर बना रहे हैं हम उधर से ही देख रहे हैं, हमने इसके ऊपर से लाइन बनाई है इधर की तरफ से तो हम इधर से देख रहे हैं, और इस वाले में अगर देखिए हमने इस कॉइल के ऊपर लाइन बनाई है इधर से, इधर से लाइन इसके ऊपर तक आई है यानी इधर से देख रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि हम इसे इधर से देख रहे हैं, पास में लाएंगे इंड्यूस करंट बनेगा किस वजह से, फ्लक्स के इंक्रीज होने से, या फिर कह दें कि मैग्नेट के पास में आने से, मैग्नेट के पास में आने से इंड्यूस करंट बन रहा है, तो इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा लेंज लॉ के हिसाब से कि मैग्नेट पास में ना आ पाए। ना आ पाए का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा पोल बन जाए कि इस मैग्नेट को दूर भेजे, जाओ भैया जाओ भैया जाओ पास में मत आओ, तो नॉर्थ के पास क्या बन जाए, ऑब्वियसली नॉर्थ बन जाए प्यारे। तो देखिए नॉर्थ नॉर्थ को भेज देगा कि भैया चले जाओ मेरे पास मत आओ, और नॉर्थ का मतलब ये हो गया कि कैसा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जो हमने यहाँ पे एरो से दिखाया है। ठीक है, ये करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल पहले बिल्कुल बीचों बीच थी अगर जीरो पॉइंटर पे, तो करंट इधर जा रहा है तो नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और करंट उधर जा रहा होता तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल ले लो, इसमें तो पास में आ रही थी, अभी इसमें देखो दूर जा रही है, दूर जा रही है तो ऑब्वियसली इसमें इंड्यूस करंट किस वजह से बनेगा, फ्लक्स के डिक्रीज होने से, मैग्नेट के दूर जाने से, तो इसमें ऐसा पोल बनेगा कि ये दूर ना जा पाए, जिस वजह से वो बन रहा है उसको अपोज किया जा सके, ये दूर ना जा पाए, तो यहाँ कौन सा पोल बने कि कहे कि भैया मत जाओ आ जाओ कौन सा पोल बने, हाँ भैया साउथ पोल बनेगा, तभी साउथ पोल कहेगा कि नॉर्थ बहना तुम दूर मत जाओ। ठीक है, तो ये साउथ बनने का मतलब क्या हो गया, देखो क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे गया करंट ऐसे गया ऐसे गया, क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहा था तो नीडल जो बीच में जीरो थी वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है तो चलो ये नोट करो। लेकिन डेफिनेशन प्यारे बहुत जरूरी है कि जो डेफिनेशन है वो आप याद कर लीजिए जल्दी से। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल देन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन इट इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। और अब आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि इन शब्द का मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद, जो पिछले लेक्चर में मैंने फैराडेज लॉज के चार एक्सपेरिमेंट बताए थे जिसमें इंड्यूस करंट बन रहा था, डायरेक्शन नहीं बताई थी, तो अब उन्हीं चार लॉज की डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि कैसे बताए गए विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। सबसे पहले फैराडेज का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या बताया गया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था ये कॉइल के पास मैग्नेट लाए हैं, तो प्यारे इसके पास लाने से फ्लक्स इंक्रीज होने से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, लेकिन इंड्यूस करंट इसमें ऐसे बनेगा कि ये जिस वजह से बन रहा है उसको अपोज किया जा सके, इसमें मैग्नेट के पास में आने की वजह से करंट बन रहा है तो करंट ऐसे बनेगा कि ये पास में ना आ पाए। कौन सा पोल बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा ऑब्वियसली, अगर इधर नॉर्थ बनेगा तो इधर साउथ बनेगा, तो चाहे आप उधर से बता दो चाहे इधर से बता दो करंट का डायरेक्शन। कैसे बताओगे, क्लॉक फेस रूल के हिसाब से आप क्लॉक बना इस तरीके से एस और N एक बार लिख लो ताकि आसानी हो जाए करंट का डायरेक्शन बताने के लिए। अभी आप क्या करो, इधर से आप देख रहे हो कि साउथ पोल बन रहा है, साउथ का मतलब ये है कि इधर से जो करंट है, साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, इधर से करंट अगर हम देखें इधर से तो वो क्लॉकवाइज होगा। अब क्लॉकवाइज बनाने के लिए एरोज जो है वो नीचे बनाओगे या ऊपर बनाओगे वो कैसे देखें, उसके लिए क्या करो, ये जो कॉइल है ये यहाँ पे बोर्ड पे चिपकी हुई है, इस तरीके से घुसी हुई है बोर्ड में, आधी बाहर निकली हुई है आधी अंदर भी होगी, थ्री डायमेंशनल फिगर मान लो ये कॉइल है, इसको क्या करो इस तरीके से यहाँ चिपकी हुई है इसे पकड़ के बाहर खींच लो, ये लो ये इस तरीके से बाहर जब खींच ली प्यारे तो क्या हुआ कि यहां पर आप देखिए इधर की तरफ से साउथ बन रहा है, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो अपनी एक फिंगर लो और इसकी तरफ से क्लॉक के डायरेक्शन में फिंगर को घुमाओ, पीछे से ऊपर जा रही है आगे से नीचे आ रही है, पीछे से ऊपर आगे से नीचे, पीछे से ऊपर आगे से नीचे, ऐसे आते आते आगे की तरफ से देखना है आपको, पीछे से कहाँ जा रही है वो नहीं दिख रहा है आपको, तो आगे की तरफ से डायग्राम दिख रहा है, तो आगे की तरफ से फिंगर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, आगे से नीचे आ रही है, तो आप करंट की डायरेक्शन सब में इस तरीके से नीचे की तरफ बना दोगे, ये देख के कि आगे की तरफ से फिंगर कहाँ जा रही है, और ऐसे नीचे बनाओगे तो ये आप देखिए इस तरीके से, अगर यहाँ P और Q लिखा होता तो आप कह देते कि करंट विल फ्लो फ्रॉम Q टू P, ऐसे एरो, या फिर नीडल की डिफ्लेक्शन पूछते तो अगर इसमें ऐसे होती तो इसे
ऐसे बना देते। इसको इधर से भी देख के कर सकते हो, उधर से खड़े होके भी कर सकते हो, ले उधर से देखते तो भी सेम आंसर आता। देखो इधर की तरफ से नॉर्थ बन रहा है, नॉर्थ का मतलब हो गया इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसको इस तरीके से बाहर निकालो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमाओ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर घुमाते घुमाते पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, आगे से नीचे जा रही है, आगे से नीचे जा रही है। तो देखो नीचे की तरफ एरोस, चाहे इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो, आंसर विल बी द सेम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और इसी में अगर उल्टी डायरेक्शन में कर देते, इसे पास में ना ले जाके दूर कर देते, तो इसमें करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती, उल्टी हो जाती, क्योंकि पहले फ्लक्स के इंक्रीज होने से करंट बन रहा था, अब फ्लक्स के डिक्रीज होने से बनेगा। तो ईएमएफ और इंड्यूस करंट विल बी फॉर्मड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखते हैं एक्सपेरिमेंट टू क्या बताया गया था। एक्सपेरिमेंट टू में बताया था हमने इस तरीके से दो कॉइल हैं, दो कॉइल की वजह से इंड्यूस करंट बन रहा है प्यारे। तो इसमें इस कॉइल को हम इसके पास में ला रहे थे, ये सोलेनॉइड है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम इसके पास में ला रहे हैं, पास में ला रहे हैं। तो भैया ये क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस तरीके से। अब पास में लाएंगे तो इसमें फ्लक्स, इसके पास में लाने से इससे लिंक जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होने से इंड्यूस करंट बनेगा। कैसे बनेगा? उसके पहले ये तो जान लो कि इधर कौन सा पोल है। अरे इधर कौन सा पोल है तभी तो देखेंगे इधर नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा। ये कैसे बताएं इधर कौन सा पोल है? उसके लिए पहले इसे पकड़ के इस तरीके से बाहर निकालो और इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे है, नीचे है, आगे से पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे है। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, किससे मैच हो रहा है? साउथ से। तो हमें ये पता चला कि भैया पहले इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, इस तरीके से साउथ। तो ऑब्वियसली अगर इसको पास में लाएंगे तो इधर क्या बनेगा? ऐसे पोल बनेगा कि वो पास में ना आ पाए। कौन सा पोल बनेगा बोलो वहीं बैठे हुए? बोले सर साउथ बनेगा और इधर नॉर्थ बनेगा। और अगर ये पता चल गया इधर नॉर्थ बनेगा तो नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको बाहर निकालो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर को घुमाओ। तो आगे से फिंगर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, जल्दी से ऊपर की तरफ एरोज बना दो, एरोज बना दो, ऐसे ऊपर जाते हो, पीछे से नीचे, करंट इसमें ऐसे से ऐसे जाएगा। मेंशन है अगर ए अभी तो कह दोगे ए से बी जाएगा या नीडल विल रिफ्लेक्ट वर्ड्स राइट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? ये नोट करते जाओ, सारे एग्जांपल्स नोट करते जाओ, इतने सारे एग्जांपल्स कहीं एक साथ नहीं लिखे हैं मैंने, बहुत सारे एग्जांपल्स सेम टॉपिक पे लेंज लॉ पे एक साथ आपको करा रहा हूं। तो एक जगह नोट करना बहुत जरूरी है। बात आई थर्ड एक्सपेरिमेंट की। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था मैंने फैराडेज के, कि ये इस तरीके से एक सोलेनॉइड है, सेल लगा हुआ है, स्विच ऑन करेंगे तो जैसे ही इस प्राइमरी कॉइल का स्विच ऑन करेंगे, इसके पड़ोस में जो सेकेंडरी कॉइल लगी है जिसमें कोई सेल नहीं है, स्विच ऑन करते ही मोमेंटरली इसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। कुछ पल के लिए, एक पल के लिए इसमें करंट फ्लो होगा तब जब स्विच ऑन होगा, और स्विच ऑन रहने देंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जैसे ही दोबारा फिर से स्विच ऑफ करेंगे तो इसमें फिर से एक मोमेंटरली डिफ्लेक्शन होगा। ऐसा क्यों होता है वो मैंने समझाया था। स्विच ऑन करने से एकदम करंट इसमें ग्रो करेगा, करंट के ग्रो करने से फ्लक्स भी ग्रो करेगा, और इंक्रीजिंग फ्लक्स जब इससे लिंक्ड होगा तो इसमें करंट बनेगा। लेकिन स्विच ऑन करा रहने देंगे तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ने से फ्लक्स भी नहीं बढ़ेगा, और इसका फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो इससे लिंक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, इंड्यूस करंट नहीं बनेगा, करंट जीरो। दोबारा जब स्विच ऑफ कर देंगे तो स्विच ऑफ करने से करंट कम होने लगेगा, करंट कम होने से फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और डिक्रीजिंग फ्लक्स जब इससे लिंक्ड होगा तो इसमें फिर से इंड्यूस करंट बनेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन कैसे निकालें वो देखिए। सबसे पहले जब इसका स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट ग्रो होना शुरू होगा। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, ये पीछे से गया और ऊपर से नीचे इस तरीके से आएगा, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि इधर की तरफ कौन सा पोल बनेगा जब स्विच ऑन करें। तो आप देखिए इधर की तरफ से अगर हम देखें तो हमने इसको इधर से बाहर निकाला, ये कॉइल थी इसको बाहर निकाला, करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, आगे से नीचे नीचे, ऐसे फिंगर घुमाने से मैच हो रहा है साउथ, यानी इधर साउथ बनेगा इधर नॉर्थ बनेगा। अब आप ये सोचो इसमें करंट कैसे बनेगा, लेंज लॉ से कैसे बताएं? तो प्यारे स्विच ऑन करने पे करंट बढ़ेगा, इधर फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, इधर साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल से निकलता हुआ फ्लक्स इंक्रीज होगा, साउथ पोल में एंटर करता हुआ फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो आप सोचिए कि इंड्यूस करंट इसमें ऐसे बनेगा, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए, यहाँ पर स्विच ऑन करने पे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से फ्लक्स भी बढ़ेगा,
तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा किस वजह से, फ्लक्स के बढ़ने की वजह से। तो लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा कि जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज किया जा सके। अभी इसमें इंड्यूस करंट बनने का कॉज था फ्लक्स का बढ़ना, तो इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स ना बढ़े, फ्लक्स को कैंसिल कर दे। तो ऑब्वियसली उसके लिए इधर कौन सा पोल बने कि वो इसके इंक्रीजिंग फ्लक्स को कैंसिल करे, ऑब्वियसली साउथ पोल बने। साउथ पोल बनेगा तो साउथ साउथ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ के फ्लक्स को कैंसिल करेगा। तो इधर साउथ बनेगा अगर, तो इधर नॉर्थ बनेगा। और अगर इधर नॉर्थ बनने का मतलब है, नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे ऐसे फिंगर अगर हम घुमाए तो आगे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, आगे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। तो इसमें सब में इस तरीके से करंट की डायरेक्शन बन जाएगी। गैल्वेनोमीटर में करंट जो है वो राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टू क्यू। दोबारा जब स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑफ करने से फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा, फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा। तो डिक्रीज होने से इसमें इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो। अब इधर साउथ पोल है अगर इस वाली में, तो इधर कौन सा पोल बने जो कहे कि साउथ भैया मत जाओ बने रहो, है ना। कौन सा पोल बने इधर की तरफ, नॉर्थ बने। तभी तो नॉर्थ साउथ को कहेगा रुक जाओ, नॉर्थ साउथ को एड करेगा, रुक जाओ। साउथ साउथ को रिपेल करेगा लेकिन नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा पोल बनना पड़ेगा फ्लक्स को डिक्रीज को रोकने के लिए, नॉर्थ पोल। और फिर नॉर्थ तो इधर साउथ, यानी करंट की डायरेक्शन उल्टी बना दोगे जैसे भी मैंने बनाई है स्विच के ऑफ करने से। तो प्यारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, वो मैं इस लेक्चर में कराने वाला हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस प्लस इस चैप्टर के नोट्स आपके लिए मेरी तरफ से मिलने वाले हैं, जिसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बहुत जल्दी हम यहाँ देंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। फिलहाल देखिए आगे, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसके बाद एक्सपेरिमेंट 4 पे आइए। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें कॉइल थी रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से, उसे बाहर की तरफ निकाल रहे थे, ठीक है, बाहर निकाल रहे थे, वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं अंदर एंटर करने वाला बता रहा हूँ। मान लें कि ये एक इस तरीके से कॉइल है, इस कॉइल का नाम है PQRS, ठीक है, इसको अंदर की तरफ ला रहे हैं, इसको अंदर की तरफ ला रहे हैं। तो एक ऐसे रीजन में जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्रॉस बना हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही होंगी, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही होंगी, ठीक है प्यारे। अब आप ये समझिए कि जब इस कॉइल को अंदर लाएंगे, तो इस कॉइल में जब ये कॉइल बिल्कुल बाहर थी तो क्या कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा, नहीं। लेकिन कॉइल जब अंदर आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में आने लगेगी, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास होने लगेगा। और जितना ज्यादा अंदर लाते जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास होगा, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फ्लक्स के इंक्रीज होने से बनेगा। लेकिन किस डायरेक्शन में बनेगा वो लेंज लॉ बताता है। लेंज लॉ कहता है इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि जिस डायरेक्शन में, जिस वजह से वो इंड्यूस करंट बन रहा है उसको अपोज किया जा सके। अभी समझना कैसे बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। क्या कैसे बताएंगे कि लूप का डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अंदर ला रहे हैं तो आप सोचिए पहले कि करंट इसमें बन किस वजह से रहा है, वो वजह निकालिए। करंट बन रहा है इसमें फ्लक्स के इंक्रीज होने से। अब इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो, इस पे विचार करना शुरू करिए। आप देखिए ये क्रॉस का मतलब ये बाहर से अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, यानी बाहर से जब अंदर जा रही हैं तो जो सामने वाली दीवार है आपके पीछे वो रही होगी नॉर्थ पोल, और इस बोर्ड के पीछे जो दीवार है वो रही होगी साउथ पोल। तभी तो नॉर्थ से साउथ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, सामने नॉर्थ पीछे साउथ। अब आप सोचिए सामने की तरफ नॉर्थ है, आपकी बॉडी के पीछे नॉर्थ है, तो जब ये अंदर आ रही है कॉइल इस तरीके से, अंदर आ रही है तो इधर नॉर्थ है, करंट
कैसे बनेगा, जब ये अंदर आएगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो। ना हो का मतलब ये है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये बताओ इसके सामने वाले फेस पे कौन सा पोल बन जाए जो इस नॉर्थ को अपोज करे। नॉर्थ वाला फ्लक्स अंदर भेज रहा है, यहाँ पे कौन सा पोल बने कि जो उसको अपोज करेगा। मत भेजो मत भेजो, ऑब्वियसली नॉर्थ के सामने इधर कौन सा पोल बने इसके फेस पे, नॉर्थ बने, तो नॉर्थ नॉर्थ को कहेगा कि फ्लक्स को अंदर मत भेजो, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, इधर अगर नॉर्थ बन जाए तो फ्लक्स को ये अपोज करेगा कि इंक्रीज मत होने दो। इससे हमें ये पता चल गया कि इधर नॉर्थ बनेगा, और नॉर्थ बनने का मतलब ये है कि करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी इस क्वाइल में करंट की डायरेक्शन होगी पी क्यू आर एस पी, या तो ऐसे लिख दो या फिर लिख दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये हम एरो बना दे रहे हैं। ओके ओके, लेकिन जब इसी कॉइल को अंदर लाते 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 लाते, ये कॉइल बिल्कुल अंदर आ चुकी होगी, ध्यान देना, अभी हम इसे अंदर ला रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी की पूरी वेल इनसाइड हो जाएगी अंदर द मैग्नेट, इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे जब हम यहाँ से आगे और मूव कराएंगे, तो प्यारे इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली इस केस में फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जब तक ये अंदर आ रही थी तब तक फ्लक्स इंक्रीज होगा, लेकिन एक बार पूरी तरीके से एंटर कर जाएगी तो फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इंड्यूस करंट नहीं बनेगा। दोबारा कब बनेगा, जब ये वाली कॉइल बाहर निकलने को होगी। थोड़ी बड़ी बना दी मैंने, चलो इसके हिसाब से ही देख लें। दोबारा तब होगा जब ये बाहर निकलने को होगी। जब ये बाहर निकल रही होगी तो बताओ इस रेक्टेंगुलर कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा। ऑब्वियसली बाहर निकलने की वजह से कम होगा। अभी आप देखिए इतना पास हो रहा है, इतने रीजन में से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, बाहर निकालेंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा पाएंगी, फ्लक्स डिक्रीज होने से इंड्यूस करंट बनेगा। सामने कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी, लेकिन बाहर निकलने की वजह से फ्लक्स कम हो रहा था, तो इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि ये कॉइल कहेगी कि फ्लक्स बाहर निकलने की वजह से जो कम हो रहा है वो कम ना हो, यानी ये कॉइल कहेगी जो उधर नॉर्थ पोल है उधर से आती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, और आओ का मतलब क्या है कि अगर सामने नॉर्थ पोल है तो इस पे कौन सा पोल बने कि जो कहे आओ फ्लक्स, ऑब्वियसली कौन सा, साउथ ही तो कहेगा नॉर्थ को कि लाओ और फ्लक्स लाओ, मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगा। बाहर निकल रही है फ्लक्स डिक्रीज होना है, लेकिन ऐसे करंट बनेगा फ्लक्स डिक्रीज ना हो, यानी इधर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, जो नॉर्थ से और फ्लक्स बुलाएगा। और साउथ का मतलब क्या हो गया, करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसमें आप लिख सकते हो ए बी सी डी ए या फिर क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज था उसमें क्लॉकवाइज। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के मिला के मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, जो आपके ट्वेल्थ में भी हेल्प करने वाले हैं और कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से बने रहो पूरे लेक्चर में, आखिरी तक दिल लगा के पढ़ते जाना, और जितने एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ नोट जरूर कर लेना, चाहे पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद चाहे साथ साथ में। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके प्यारे, ये आ रहा है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है या अनसॉल्व में किसी में दे रखा है, बट ये ऐसे कॉइल्स हैं अलग अलग शेप्स की, इसमें कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ अगर इनका मोशन कराते हैं। जैसे सबसे पहला ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको अंदर ला रहे हैं, ये तो मैंने अभी बताया आपको, अंदर लाएंगे तो बाहर, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर जा रही है, नहीं बाहर कौन सा पोल रहा होगा, नॉर्थ पोल, पीछे कौन सा रहा होगा, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये अंदर ला रहे हैं तो इससे लिंक्ड फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, इससे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो इंड्यूस करंट ऐसे बढ़ेगा कि फ्लक्स ना बढ़े, अपोज हो, यानी सामने अगर नॉर्थ पोल है तो इधर कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, समझ में आ रहा है तो भी टाइप करके बताइए। फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, यानी फर्स्ट वाले में आप करंट का डायरेक्शन लिख दोगे, ऐसे करंट इस तरीके से जाएगा तो आप लिख दोगे ए बी सी डी ए बी सी डी ए, और ब्रैकेट में लिख देना क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो दूसरे वाले में देखें,
दूसरे वाले इस वाले पे आए, अभी इसे बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालते हुए फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स का डिक्रीज होने से इंड्यूस करंट बनेगा ऐसे कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो। तो बताओ जरा सामने कौन सा पोल था, सामने नॉर्थ पोल था, तो इधर कौन सा पोल बने कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो पाए, नॉर्थ के साथ क्या बने, साउथ बने, तो वो फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगा और बुलाएगा। साउथ का मतलब ये हो गया करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ACBA, जिसमें ब्रैकेट में लिख देना क्लॉकवाइज। तीसरा देखो जल्दी, इसको भी बाहर निकालना है प्यारे, तो फिर वही केस होगा, बाहर निकालने से फ्लक्स डिक्रीज होने से करंट बनेगा, इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा फ्लक्स डिक्रीज ना हो। फ्लक्स डिक्रीज ना हो का मतलब सामने अगर नॉर्थ है तो कौन सा पोल बने कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो, साउथ बने। साउथ बनने का मतलब वही क्लॉकवाइज हो गया, यानी ABCDA और क्लॉकवाइज आप थर्ड वाले में लिख देना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे देखो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द फिगर गिवन बिलो। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समझने वाला, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है प्यारे, इसमें ये कह रहे हैं कि एक इस तरीके से ये एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर है जिसमें बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, दो प्लेट्स ए और बी इसकी हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल नॉर्थ पोल और एक दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल। कह रहे हैं कि इस दोनों मैग्नेट को ऐसे पास में ला रहे हैं, तो पास में लाने से फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, उस इंड्यूस करंट से ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर की दो प्लेट्स पे जो पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस वो आपको बताना है, ठीक है, कौन से पे कौन सी पोलैरिटी। तो ध्यान से समझना, पहले ये देखना पड़ेगा कि इसे देख किधर से रहे हैं, जरा बताना किधर से देख रहे हैं, इसके राइट साइड से देख रहे हैं या इसके लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने कहा था जिधर से लाइन ऊपर आ रही है उधर की तरफ से देख रहे हैं, उधर से देख रहे हैं। तो क्या करते हैं, पहले इस मैग्नेट की वजह से देखते हैं कौन सी पोलैरिटी बनेगी, फिर इस मैग्नेट की वजह से देखेंगे। चलो पहले इस मैग्नेट की वजह से मैं इधर बना रहा हूँ, पोलैरिटी कौन सी बनेगी, यहाँ पे ऐसे प्लेट्स हैं और इधर की तरफ से देख रहे हैं ये पीछे, और ये एक है साउथ और एक है ये नॉर्थ, ठीक है, इसको ला रहे हैं पास में। तो प्यारे लेंज लॉ कहता है कि पास में लाने से इंड्यूस करंट बनेगा, तो इंड्यूस करंट किस वजह से बन रहा है, फ्लक्स के इंक्रीज होने से, पास में लाने से इससे लिंक फ्लक्स बढ़ेगा, तो इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स ना बढ़े यानी अपोज करे, दूर जाओ, तो इधर कौन सा पोल बनना पड़ेगा अगर इधर साउथ पास में आ रहा है, ऑब्वियसली साउथ, और साउथ का मतलब है कि करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो प्यारे ध्यान से सुनना, कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, गलती मत करना। करंट ऐसे बनेगा इस तरीके से, ए प्लेट से बी प्लेट से निकलेगा, ए प्लेट में करंट जाएगा, तो अगर मैं आपसे पूछता कि बी की पोलैरिटी बताओ, तो 90% 80% बच्चे कह देते हैं जल्दबाजी में कि सर अच्छा बी से करंट निकल रहा है तो सर बी पॉजिटिव प्लेट हो गई, ए में एंटर कर रहा है तो ए नेगेटिव हो गई, सर पॉजिटिव से ही तो करंट निकलता है, बैटरी सर देखिए ना पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो इधर से करंट निकल रहा है तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव। अरे भैया ऐसा मत कर देना, अरे भैया ये बैटरी थोड़ी ना है जो कह रहे हो कि जिस टर्मिनल से निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, बैटरी है का ये? नहीं प्यारे, ये बैटरी नहीं है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर करंट देता नहीं है, करंट से चार्ज स्टोर करता है, उल्टा होता है। आप सोचो अगर इसमें करंट ऐसा बन रहा है ऐसे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। आप सोचो नेगेटिव वाला ऐसे जाएगा तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पे जाएंगे, तो जिस प्लेट से निकलेंगे उधर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जिस प्लेट पे जाके एक्युमुलेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स माइनस इस पे जाके बैठ जाएंगे तो इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो भैया ए पे पॉजिटिव आएगा और बी पे नेगेटिव आएगा, बात समझे कि नहीं समझे? ये हमने तब देखा जब हमने इस वाली मैग्नेट के हिसाब से निकाला। अब इस वाली मैग्नेट के हिसाब से देखें जरा, इस वाली मैग्नेट के हिसाब से ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, इसको पास में ला रहे हैं, ये इस तरीके से कॉइल है और देख किधर से रहे हैं, इसे ऑब्वियसली इधर से देख रहे हैं, ठीक है,
इधर से देख रहे हैं, मैं कौन से पोल बनेंगे ए और बी वो बताना है। तो प्यारे आप ये देखो, ये इस तरीके से कॉइल रखी है मान लो, ठीक है, ये कॉइल रखी है ऐसे बाहर की तरफ। अभी जब मैग्नेट ला रहे हैं हम, खड़े उधर से हैं, उधर से खड़े हैं तो उधर से ही देखना पड़ेगा कि कौन सा पोल बनेगा। लेकिन उधर कौन सा पोल बनेगा उसके लिए पहले ये बताओ कि ये पास में ला रहे हैं तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा ऐसे कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो, तो नॉर्थ को पास में लाने से फ्लक्स इंक्रीज ना हो तो इसकी साइड इधर 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 की तरफ क्या बनना पड़ेगा, इधर की तरफ क्या बनना पड़ेगा, ऑब्वियसली नॉर्थ की साइड नॉर्थ बनना पड़ेगा, इधर नॉर्थ बनना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्थ बनना पड़ेगा, ठीक है। इधर नॉर्थ बनेगा तो इधर क्या बनेगा, ऑब्वियसली इधर साउथ बनेगा, क्योंकि हम उधर की तरफ से देख रहे हैं तो उधर की तरफ से कौन सा फेस पे कौन सा पोल बनेगा वो देखना जरूरी है। तो इधर से हमने ये तो जान लिया कि नॉर्थ की साइड नॉर्थ बनेगा, लेकिन उधर की तरफ से देखें, ये लीजिए उधर की तरफ से देखें तो इधर साउथ बनेगा। साउथ बनने का मतलब करंट क्लॉकवाइज आएगा, वही जो इसमें आ रहा था तो इसमें भी क्लॉकवाइज करंट बन रहा था, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज करंट बनेगा, यानी पोलैरिटी वही आएगी इस पे प्लस इस पे माइनस। तो आप फाइनली दोनों की वजह से सेम बन रहा है तो सेम चार्ज आएगा, ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव, ऐसा लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा होता कि इस वाले को पास में ला रहे होते और इस वाले को दूर में ले जा रहे होते तो क्या होता, तो आप देखिए फिर क्या होता, थोड़ा सा दिमाग अपने आप चलाना। अब पास में दोनों को पास में ला रहे थे तो दोनों की वजह से सेम करंट बन रहा था सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों को अपोजिट कर देंगे, मतलब एक ऐसे ऐसे लाने की बजाय एक को ऐसे और एक का अपोजिट कर देंगे, तो एक की वजह से अगर करंट क्लॉकवाइज बन रहा था तो दूसरी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज बनने लगेगा, जो दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और बिल्कुल कैंसिल करने की वजह से कोई करंट ना बनने की वजह से कैपेसिटर विल रिमेन अनचार्ज। ये ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है, दिमाग लगाइए क्या बोला। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, देखिए क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल थ्री में कह रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर लिखा है नोट कर लेना, कि ये इस तरीके से दो कॉइल्स हैं, एक रेक्टेंगुलर एक सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है, दोनों को कांस्टेंट स्पीड से बाहर की तरफ निकालना है वी वेलोसिटी से और वी वेलोसिटी से। कह रहे हैं वुड यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ टू बी प्रोड्यूस द सेम इन द टू कॉइल्स और डिफरेंट। कहने का मतलब कि जब इसको हम कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकाल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकाल रहे हैं तो दोनों में इंड्यूस ईएमएफ तो बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, क्या दोनों में सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा वो बताइए, उसको जस्टिफाई करिए। देखिए भैया क्या है, फील्ड अंदर की तरफ है, जब बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने से फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स के डिक्रीज होने से इंड्यूस करंट बनेगा, इसमें भी उसमें भी वो तो बनना है। अब सेम होगा या नहीं होगा वो देखिए भैया, इंड्यूस ईएमएफ का लास्ट सेशन में हमने फैराडेज लॉ से बताया था कि फॉर्मूला होता है डी फाई ओवर डी टी, माइनस लगा देते हैं दिखाने के लिए कि अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है। फ्लक्स का अगर फॉर्मूला देखें तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA, ठीक है ना, BA cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे cos 0 1 होने वाला है इसलिए मैंने डायरेक्टली BA लिख दिया है। अब cos 0 0 क्यों होगा वो अपने आप देखना फिलहाल, चलो अच्छा बता देता हूँ, BA cos थीटा होता है, BA cos थीटा, अभी थीटा कितना होगा, ये सरफेस है, इस सरफेस की वजह से B और A के बीच कितना एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ, एक अंदर एक बाहर, तो दोनों के बीच 180 एंगल होगा, 180 होगा, cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 180 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 0 कैसे, अगर इसके पीछे वाले फेस की बात करते तो पीछे वाले फेस का एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होता और मैग्नेटिक फील्ड भी पीछे, तो 0 हो जाता, cos 0 भी 1 होता है, cos 180 भी 1 होता है लेकिन माइनस में, लेकिन होता वन ही है तो ये वन आता, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है BA, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा DA ओवर DT, A कांस्टेंट नहीं है, क्यों A कांस्टेंट नहीं है, बोले सर एरिया तो वही है ना, नहीं यहाँ जो एरिया लेते हैं यहाँ पे वो एरिया लेते हैं जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। अब देखें जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने से वो एरिया कम होता जाएगा जिस एरिया से फील्ड पास हो रही है। अब आप देखिए मान लें कि ये बिल्कुल कोने पे आ गया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आ गया है। अभी अगर 1 सेंटीमीटर ये आगे निकले, 1 सेंटीमीटर आगे निकले, तो 1 सेंटीमीटर में इतना एरिया कवर हो जाएगा,
ठीक है। मान लें इसकी स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मान लें 1 सेकंड में ये 1 सेंटीमीटर आगे आया तो इसका कितना एरिया बाहर आएगा, इतना एरिया बाहर आएगा, ठीक है, इतना एरिया में चेंज आया। 1 सेंटीमीटर और बाहर आ जाए, ये स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर और बाहर आ जाएगा तो कितना एरिया में चेंज आएगा, इतना एरिया में और चेंज आ जाएगा, इतना एरिया और बाहर आ जाएगा। हर 1 सेकंड में 1-1 सेंटीमीटर आगे निकलेगा तो चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम विल बी सेम, सेम एरिया डिक्रीज होता रहेगा आगे की तरफ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप सोचिए अगर ये बिल्कुल कोने में इस तरीके से आ चुका है, अब अगर ये 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े, मान लो 1 सेंटीमीटर इतना होता है, ये इस तरीके से आगे बढ़ गया इतना आगे, तो आप देखिए कितना एरिया में चेंज आया, इतना एरिया में चेंज आया। अगर 1 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर था, इतना एरिया में चेंज आया। लेकिन अगर ये और 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े तो आप देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे आगे आ जाएगा, आप इमेजिन करिए इस तरीके से ऐसे आगे आ जाएगा। पहले तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा था तो इतना एरिया में चेंज आया था, इतना चेंज आया था, लेकिन अगले 1 सेंटीमीटर में इतना चेंज आ जाएगा, आप देखिए ज़्यादा चेंज आएगा। पहले एक थोड़ा सा गोल है ना, तो 1 सेंटीमीटर आगे निकलेगा तो थोड़ा सा ही एरिया में चेंज आएगा इतना सा, लेकिन और आगे निकलेगा तो इतना चेंज आ जाएगा, एरिया ज़्यादा चेंज हुआ। पहले 1 सेकंड में कम चेंज हुआ, अगले 1 सेकंड में ज़्यादा चेंज हुआ। तो आप सोचिए पहले 1 सेकंड में कम चेंज हुआ, अगले 1 सेकंड में ज़्यादा चेंज हुआ, तो सोचिए जब एरिया चेंज हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो ईएमएफ भी तो बढ़ेगा। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट बनेगा, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चेंज हो रहा है, पहले कम एरिया चेंज हो रहा था अब ज़्यादा एरिया चेंज हो रहा है, ये चेंज होगा तो ईएमएफ भी चेंज होगा। तो इसमें कांस्टेंट ईएमएफ बनेगा, इसमें कांस्टेंट ईएमएफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट नहीं है। नोट कर लीजिए जैसे समझाया है अपने शब्दों में। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड, ए टू एफ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 6 पार्ट्स हैं, इसमें आपको बताना है किस केस में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। लेट्स सी, 6 केसेस हैं, एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहला ये, अब थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं, कोशिश करिएगा समझने की। ये पास में ला रहे हैं तो पास में लाने की वजह से इंड्यूस करंट बनेगा, ऐसे बनेगा, बताओ इधर कौन सा पोल बन जाएगा। अब तो डायरेक्ट बता दूं कौन सा पोल बनेगा, साउथ बनेगा, साउथ की साइड साउथ बनेगा अपोज करने के लिए, और साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज करंट बनने का मतलब है ये ऐसे गया करंट, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इस तरीके से ऐसे जाएगा, ये पीछे से ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे 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 करके ऐसे दे रखा है, तो करंट ऐसे जाएगा इसमें। तो करंट की अगर डायरेक्शन पूछ रहे हैं, ये ऐसे आया इस तरीके से जा रहा है, तो करंट की अगर डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो हो गई क्यू आर पी, इसमें लिख दोगे क्यू आर पी। अब इसे कैपिटल में मत लिख देना, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही लिखोगे। नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहे हैं ये देखिए पास में आ रहा है तो इधर कौन सा पोल बनेगा कि पास में ना आए, ऑब्वियसली साउथ। ऐसे इसमें बताओ ये दूर जाने से करंट इसमें बन रहा है तो इधर की तरफ कौन सा पोल बनेगा कि ये दूर ना जाए, ऑब्वियसली कौन सा बनेगा, साउथ बनेगा। साउथ कहेगा कि भैया नॉर्थ दूर मत जाओ, मेरे पास आओ, तो यहाँ पे साउथ, इधर साउथ तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ तो इधर नॉर्थ, ठीक है। अभी करंट की डायरेक्शन इसमें बता रहा हूँ, उसमें अपने आप उल्टा करके लिख देंगे। अभी साउथ बनने का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मैंने बना दिया, ऐसे गया क्लॉकवाइज, ऐसे गया, ऐसे गया, ये इधर से देखिए ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इस तरीके से ऐसे चल रहा है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, इस तरीके से। तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे है, यानी ये कुछ इस तरीके से ऐसे करंट इसमें जाएगा। ये ऐसे जाएगा का मतलब ये है, इसको पूरा कर दें इस तरीके से तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, पी आर क्यू। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा, अगर सामने आपको स्क्रीन पे ज़्यादा बारीकियां नहीं दिख रही हैं, एनसीईआरटी खोलिएगा, उससे खोल के खुद करिएगा कि क्या बोल रहा हूँ, सामने रख के करिए अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही इसमें क्लॉकवाइज है भैया, इधर नॉर्थ बन गया तो एंटी क्लॉकवाइज बना दो, तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ना यहाँ पे, फिर मैं अब यहाँ पे बना के देखना, ये इस तरीके से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये इस तरीके से
ऐसे जाके ऐसे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ क्या हो गया करंट का डायरेक्शन, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए अगला सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, छह पार्ट्स हैं इसके। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाले, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले। ये कर लिए तो मजे लग जाएंगे लाइफ जिंगा लाला। तो देखो क्या है, ठीक है, देखो ये एक बैटरी दे रखी है इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक की दे रखी है, कह रहे हैं टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, टैपिंग की को स्विच को जस्ट क्लोज किया, क्लोज करने का मतलब ऑफ नहीं, क्लोज करने का मतलब उसे गिराया है, यानी करंट ऑन किया है, करंट ऑन किया है। करंट ऑन करने से इस तरीके से करंट इसमें जाएगा। ये देखना जरा इसे देख के इधर की तरफ से रहे, इधर डॉटेड लाइन बनी है, नहीं इधर से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है इसमें इस तरीके से, तो ये करंट ये साउथ हो गया, ठीक है, ये साउथ और ये ऐसे नॉर्थ, क्लॉक वाइज जा रहा है, क्लॉक का मतलब हो गया ये साउथ पोल। अब इधर की तरफ से ही देख लेते हैं, चलिए इधर खड़े होके, ये साउथ बन रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखो कि इधर की तरफ ये सामने एक इस तरीके से कॉइल है, एक ये कॉइल है, कॉइल के इस साइड साउथ बन रहा है। स्विच ऑन करने से करंट बढ़ेगा, करंट के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स के बढ़ने से इंड्यूस करंट बनेगा। ऐसे कि फ्लक्स ना बढ़े तो ये बताओ, अगर इधर इधर की तरफ साउथ है तो इसके इधर फेस पे क्या बनेगा कि फ्लक्स ना बढ़े, साउथ की साइड क्या बनेगा? ऑब्वियसली लेंस लॉ के हिसाब से साउथ बनेगा, इधर की तरफ साउथ बनेगा। लेकिन हमें इधर नहीं देखना, हमने इधर से देखना है क्योंकि हम इधर खड़े हैं। अगर इधर साउथ बन रहा है तो इधर क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉर्थ। अभी इस बात से कंफ्यूज मत होना, सर साउथ की साइड तो साउथ बनता है, नॉर्थ कैसे बना दिया? अरे भैया साउथ की साइड साउथ बनेगा इधर ना, हम तो इधर से देख रहे हैं ना, हम इधर से देख के लिखेंगे। इधर से नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ का मतलब हो गया एंटी क्लॉक वाइज, यानी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी जेड एक्स वाई। समझ पा रहे हो नहीं? जेड एक्स वाई जेड ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो अगला पार्ट क्या है, अगले पार्ट में बोल रहे हैं कि रियोस्टेट सेटिंग बीन चेंज, रियोस्टेट की सेटिंग को चेंज किया है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाया है या कम किया है। रेजिस्टेंस चेंज करने से, रेजिस्टेंस चेंज करने से प्यारे यहाँ पे करंट में चेंज आएगा, करंट के बढ़ने कम होने से फ्लक्स में चेंज आएगा, उससे क्या करंट बनेगा ये वाला आप अपने आप देखेंगे। देखते हैं हम इसका डी से ई पार्ट। ई पार्ट प्यारे क्या है, टैपिंग की जस्ट रिलीज। अरे ये तो मैंने अभी बताया था आपको, दो रियोस्टेट हैं, स्विच ऑन करेंगे तो दूसरी में बनेगा, स्विच ऑफ करेंगे तो बनेगा। ये भी आप अपने आप एनसीईआरटी से देखिएगा डायग्राम, अगर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा होगा बुक में साफ साफ दिखाई देगा। फिलहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे, दिमाग लगाने वाला नया क्वेश्चन। कह रहे हैं इस तरीके से एक लूप है, इसके बीच में से इस तरीके से करंट जा रहा है आई, वायर ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये अभी मैंने वायर बनाया। कह रहे हैं बताओ कि करंट अगर डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट इस वायर में, इस सर्कुलर लूप में कैसा बनेगा? प्यारे अगर इसका करंट डिक्रीज करेंगे तो इसके करंट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी वो भी डिक्रीज होंगी, लेकिन वो जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ध्यान दो, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी, जिस प्लेन में ये सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसके चारों तरफ ऐसी ही होंगी जो इसको क्रॉस नहीं कर रही होंगी। क्रॉस करने के लिए चाहिए था थोड़ा सा लूप, अगर ये टेढ़ा होता तो वो गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइंस इसको क्रॉस करते हुए निकलती। इमेजिन करो ये ऐसे ही रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही ऐसे हैं जो इसको क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, इसके सरफेस को पार करके इसको छेद के नहीं निकल पा रही हैं। तो अगर हम करंट बढ़ा भी देंगे वायर से, उसके चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी भी, लेकिन उसकी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही होगी फ्लक्स में, जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स क्रॉसिंग द एरिया ऑफ द लूप विल नॉट चेंज, जिसकी वजह से पहली बात तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा ही नहीं, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है, और करंट के बढ़ाने या कम करने से भी कोई इंड्यूस ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी जीरो था, बाद में भी इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ इस लूप में वायर के जीरो ही रहेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए ये है, फिर इसके बाद देखिए एक एनसीईआरटी का और प्यारा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो। पहले केस में वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप, क्या किया गया है, ये इरेगुलर शेप का एक वायर है,
इररेगुलर शेप का एक वायर है इस तरीके से, ठीक है। इसको खींच खींच के ऐसे सर्कुलर लूप में बनाया गया, एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दे रखी है। तो प्यारे जब इस इररेगुलर शेप के वायर को बड़ा करेंगे इस तरीके से, गोल शेप में कन्वर्ट करने के लिए इसे बड़ा करना पड़ेगा, तो बताओ इस सरफेस से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है वो बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। क्रॉस है, सामने कौन सा पोल है, इसमें कौन सा पोल बनेगा, अपने आप देखना, ये अपने आप करो। ये वाला मैं बता रहा हूँ, इसमें उल्टा किया गया, एक सर्कुलर लूप पहले से था उसे दबा के ऐसे कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें डॉट्स दे रखे हैं। डॉट्स का मतलब क्या होता है? डॉट्स का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। बाहर की तरफ का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ रन करती है, यानी बोर्ड के पीछे नॉर्थ रहा होगा और बाहर सामने की तरफ साउथ रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, सामने क्या रहा होगा, साउथ रहा होगा, ध्यान रखना सामने साउथ रहा होगा, ठीक है। अब आप सोचो इसको जब हम इस तरीके से दबा के अंदर लाएंगे तो इससे लिंक्ड फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स के कम होने से इंड्यूस करंट बनेगा। लेंज लॉ कहता है ऐसे बनेगा कि जिस वजह से वो बन रहा है उसको अपोज किया जा सके। इंड्यूस करंट बन रहा है फ्लक्स के कम होने से, तो इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स कम ना हो। फ्लक्स कम ना हो, सामने साउथ पोल था तो इधर कौन सा पोल बने, साउथ के साथ साउथ बन जाएगा, तो भैया वो उसको और कम करेगा, हमें कम नहीं बढ़ाना है। फ्लक्स के कम होने से इंड्यूस करंट बन रहा है, तो इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स कम ना हो के फ्लक्स बढ़े, यानी साउथ की साइड क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ बनेगा। और नॉर्थ बनने का मतलब है कि करंट विल बी फॉर्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है, ये सी लिखा है, ये बी लिखा है, ये ए लिखा है, ये डी लिखा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया करंट विल बी फॉर्म अलोंग ए डी सी बी ए, ए डी सी बी ए। समझ गए कि नहीं समझ गए प्यारे? उम्मीद है समझ पा रहे हो गए, ये वाला जरूर कर लेना, बुक से आंसर टैली करना, नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, कोशिश करूंगा लिख के बताने की। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चे, देखिए फिर एक नई तरीके का क्वेश्चन। बच्चे ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मेरी गारंटी है कि एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ही ज़रूर फंसेगा ही फंसेगा, अगर आपका डायरेक्शन निकालने का लेंज लॉ का क्वेश्चन आया तो। फिलहाल कंडक्टिंग लूप इज हेल्ड अबव अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये एक लूप है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कह रहे हैं इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए व्हेन करंट इन ए बी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। मान लें ए बी वाले वायर में करंट बढ़ रहा है, करंट के बढ़ने से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, डायरेक्शन बताइए क्यों बढ़ेगा पहले वो? भाई करंट बढ़ रहा है, आपको मालूम है ना इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, इस तरीके से पढ़ा है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब आप सोचिए वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इससे पास होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से इंड्यूस करंट बनेगा। डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन निकालने के लिए पहले मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से देखिए कि वायर इस तरीके से है तो थंब इस डायरेक्शन में रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए जिस डायरेक्शन में फिंगर्स एनसर्किल करती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। थंब ऐसे रखा तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में मेरी फिंगर्स बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और बाहर का मतलब होता है मैं यहाँ पे डॉट डॉट बना सकता हूँ, डॉट डॉट दिखा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अच्छा, इसका जो ऊपर वाला रीजन है इसमें मेरी फिंगर्स बाहर जा रही हैं, लेकिन अगर यही वाला लूप नीचे रखा होता यहाँ तो ये भी बन सकती थी बात। ये इस लूप का नाम P ले लें, इसका Q ले लें, तो इस पे देखते कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो ये जो मेरी फिंगर्स बाहर आ रही हैं ये नीचे की तरफ अंदर जाएंगी। देखो थंब ऐसे इधर की तरफ देखें तो अंदर जा रही हैं, इधर की तरफ देखें तो बाहर आ रही हैं, क्योंकि इधर की तरफ अंदर जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मुझे ये क्रॉस से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचिए, मैं इस पे बताऊं, डॉट है, डॉट का मतलब क्या?
बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब पीछे नॉर्थ, सामने साउथ, सामने साउथ है। अब करंट बढ़ने से, फ्लक्स के बढ़ने से इंड्यूस करंट बन रहा है, तो ऐसे बनेगा कि फ्लक्स ना बढ़े, फ्लक्स ना बढ़े। फिर से इंड्यूस करंट इसमें कैसे बनेगा, क्योंकि करंट बढ़ रहा है नीचे वाले वायर में, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से इंड्यूस करंट बन रहा है। तो लेंज लॉ कहता है इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स ना बढ़े। तो सामने साउथ पोल था, तो इधर कौन सा पोल बने इसके फेस पे कि फ्लक्स ना बढ़े, साउथ है तो साउथ बने, तभी उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा यानी इधर साउथ बनेगा, और साउथ बनने का मतलब ये है कि करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें अब अपने आप निकालिए कैसे बनेगा डायरेक्शन, ठीक है, सोचिएगा, बताइएगा, बुक में ये क्वेश्चन भी है, एग्जाम में दोनों पूछे जा सकते हैं। सेकंड, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर उल्टा हो जाएगा, फ्लक्स के डिक्रीज होने से करंट बनेगा, फ्लक्स के डिक्रीज होने से सामने साउथ पोल था, तो करंट ऐसे बनेगा कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो, यानी सामने साउथ है तो इधर क्या बने, नॉर्थ बने, नॉर्थ बने तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन लिख देंगे एंटी क्लॉक, ठीक है। और करंट अगर कांस्टेंट रहेगा भैया इस वाले वायर में, करंट बढ़ेगा ही नहीं, तो फील्ड भी नहीं बढ़ेगी, फ्लक्स भी नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स ही नहीं बढ़ेगा प्यारे, तो इंड्यूस करंट भी नहीं बनेगा। तो इसमें लिख देंगे नो इंड्यूस्ड करंट विल बी फॉर्म, इंड्यूस्ड ईएमएफ कह लो चाहे इंड्यूस करंट विल बी फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका, नोट कर लीजिए इसे, और जो समझा रहा हूँ वो कुछ कुछ ऐसे अपने शब्दों में लिखते जाना कि इसे ऐसे बताया, ऐसे बताया, ठीक है। सिर्फ आंसर लिखना जरूरी नहीं है, बाद में जब पढ़ोगे कि कैसे बताया था, तो कुछ कुछ चीज़ें अपने वर्ड्स में नोट भी कर लेना कि ये सर ने इम्पॉर्टेंट बात बताई है। चलो फिलहाल देखते हैं अपना, कुछ एक ही दो क्वेश्चन बताए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं फिगर शोज टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर लूप्स, ये आइडेंटिकल हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये शायद लंबा बन गया है, आइडेंटिकल है, लेंथ ब्रेथ दोनों की सेम है, लिखा है बी बी ए ए, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर के पड़ोस में रखे हुए हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप व्हेन दे आर पुल्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार एग्जाम में आएंगे, और ये सारे क्वेश्चन के साथ और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, नोट्स भी साथ में दिए हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, जो जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल बात आई प्यारे कि इसे बाहर ले जाएंगे तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, क्यों बनेगा, इसलिए बनेगा, इंड्यूस एक करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इस वायर में आई, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही होगी, पहले तो ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस वायर की वजह से इधर और इधर, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से, ये लीजिए, ये इधर की तरफ देख रहे हैं तो उंगलियां इधर रखेंगे, और उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो उंगलियां उधर की तरफ रखेंगे, इधर रखी हमने तो उंगलियां अंदर जा रही हैं, अंदर जाने का मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और इधर की तरफ उंगली थंब के डायरेक्शन करंट, तो उंगलियां बाहर की तरफ आई, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है जो मैंने डॉट से बना दी। अब आप ये सोचो जब हम इसे दूर ले जाएंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इससे पास हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूर ले जाने से बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियसली जितनी दूर जाएंगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के कम होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने से इसमें इंड्यूस करंट इसमें भी बनेगा उसमें भी बनेगा उसे दूर ले जाने से, डायरेक्शन क्या होगा वो पूछी जा रही है। तो प्यारे डॉट का मतलब बाहर की तरफ साउथ, तो दूर की वजह से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज ना हो इंड्यूस करंट बनने के लिए क्या चाहिए, कौन सा पोल बने, फ्लक्स डिक्रीज ना हो, फिर से बाहर की तरफ साउथ है, ये बाहर निकल रही है यानी बाहर साउथ है, तो कौन सा पोल बने कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो, ऑब्वियसली नॉर्थ बने, ठीक है। ऐसे ही क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है यानी बाहर नॉर्थ पोल है, तो दूर ले जाने से करंट डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज होने से करंट बन रहा है, करंट ऐसे बनेगा फ्लक्स डिक्रीज ना हो, यानी अगर सामने नॉर्थ है तो इधर कौन सा पोल बने कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो, ऑब्वियसली साउथ पोल बने। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसमें
क्लॉकवाइज होगा। ठीक है प्यारे, बहुत ज़रूरी है कि जो मैं बता रहा हूँ ये नोट नहीं कर लेना है सिर्फ सारे के आंसर ने बता दिए, अपना दिमाग चलाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने समझाए हैं आपको, पीछे जाइए फिर से इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद और मेरे आंसर से पहले पॉज करके अपने आप निकालिए और देखिए हाँ वाकई में हमें समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। ये नहीं कि अच्छा समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया। अगर ऐसे ही सिर्फ देखोगे खुद नहीं करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक आंसर आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, टेस्ट में। बहुत ज़रूरी है वापस से पीछे जाके खुद अपने आप टैली करने का कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हो गया आंसर लिख देना। कह रहे हैं सेकंड, विल द इंड्यूस ईएमएफ बी सेम इन द टू लूप्स, क्या सेम ईएमएफ बनेगा दोनों में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्यारे, इसमें देखिए जब हम इसे बाहर ले जाएंगे, इसे जरा रब कर दूं, इसे जब हम बाहर ले जाएंगे कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं दोनों बाहर, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में सेम ईएमएफ बनना चाहिए। फिर से वही बात, ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई ओवर डी टी है ना, और यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए है ना, बी बाहर आ गया और ए इस तरीके से है। अब आप यहाँ पर ये देखिए प्यारे कि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, जैसे अभी मैंने सर्किल और रेक्टेंगल वाला समझाया था, आप देखिए मान लें 1 सेंटीमीटर आगे चला गया, 1 सेंटीमीटर ये आगे चला गया, मान लें एरिया में इतना चेंज, 1 सेंटीमीटर में इतना एरिया चेंज हो गया, 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में, वेलोसिटी मान लें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में ये इतना आगे चला गया तो एरिया में इतना चेंज आया। ऐसे ही ये देखिए, इसकी वेलोसिटी भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 1 सेंटीमीटर ये आगे चला गया तो एरिया में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। क्या ये दोनों एरिया सेम है? वेलोसिटी तो सेम है लेकिन क्या एरिया सेम है? ऑब्वियसली ये लंबी वाली साइड रखी है, ऐसे रखी हुई है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका होगा 1 × b, जबकि इसका होगा 1 × a। ऑब्वियसली b बड़ी है तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसके एरिया में ज़्यादा चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज आएगा प्यारे, तो उस वाले में सेकंड वाले में ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, ये आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जितना ज़्यादा एरिया में चेंज आएगा उतना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा, तो उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा सेकंड वाले में, ए वाले में, फर्स्ट वाले में कम बनेगा। ठीक है, इसको अपने वर्ड्स में लिखिए पॉज करके, जब लिख लें उसके बाद चलते हैं हम आगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगला, कह रहे हैं कि ये इस तरीके से बार मैग्नेट है, एक रिंग है, उसके बीच में से इस तरीके से ऐसे फॉल हो रही है, तो कह रहे हैं विल इट्स एक्सेलरेशन बी इक्वल टू जी, क्या इसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर ही होगी? जी के बराबर ही होगी, कोई भी चीज गिरती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है, क्या इसकी जी होगी? लेट्स सी प्यारे, यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो इस वाले लूप से क्रॉस करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाले लूप से क्रॉस करेंगी, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा वैसे वैसे इस लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, ऐसे कि ऊपर की तरफ कौन सा पोल बने भाई, ये पास में आ रहा है जिस वजह से इंड्यूस करंट बन रहा है, तो ऐसे बनेगा कि ये पास में ना आए, यानी इधर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे, मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है, नॉर्थ पोल बनेगा तो भैया नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो जितनी तेजी से मैग्नेट गिर सकती थी थोड़ी सी रिपल्शन मिलने की वजह से उतनी तेजी से गिरेगी नहीं, फोर्स थोड़ी सी रिपल्सिव लगेगी, कैंसिल होने की वजह से थोड़ी कैंसिल हो जाएगी, जिसकी वजह से नेट फोर्स कम होने पे नेट एक्सेलरेशन इसकी कम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपेंस इफ द रिंग इन द अबव केस इज कट सो एज नॉट टू फॉर्म अ कंप्लीट लूप। कह रहे हैं बीच में से ना कट कर दिया, कट करने का मतलब ये ऊपर से मैग्नेट तो गिर रही है लेकिन जो लूप है वो बीच में से कट कर दिया कि कंप्लीट लूप ना बन पाए, तो क्या होगा? तो प्यारे इस केस में बता दूं कि जब ये नीचे जाएगी तो इससे लिंक्ड फ्लक्स तो इंक्रीज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बनेगा, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी, फैराडेज लॉसेस, फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बनेगा लेकिन इंड्यूस्ड करंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंड्यूस करंट के बनने के लिए जरूरी है कि लूप
कंप्लीट हो, बीच में से टूटा ना हो। भैया जब बीच में से टूटा है तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, टूटे हुए तार में कैसे करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इंड्यूस ईएमएफ तो बनेगा, ये बात इसमें नोट कर लो। इंड्यूस करंट क्यों नहीं बनेगा, इंड्यूस करंट निकालने का तरीका होता है मैथमेटिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो ई अपॉन आर। अब ई तो बनेगा लेकिन भैया टूटे हुए तार का बीच में हवा आ गई है, हवा क्या गुड कंडक्टर होती है, नहीं, बीच में बैड कंडक्टर आ गया है जिसकी वजह से वहां रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, करंट फ्लो ही नहीं होने देगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, एनीथिंग अपॉन इनफिनिटी जीरो, करंट इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक है प्यारे, एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि इस तरीके से कि यहाँ पर अगर मान लें कि ये लूप मेटल का ना होने की बजाय प्लास्टिक का हो तो क्या होगा इसकी एक्सेलरेशन का। ऑब्वियसली भैया प्लास्टिक में ईएमएफ थोड़ी बनेगा, प्लास्टिक में इंड्यूस करंट थोड़ी ना बनेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है प्यारे, तो ये नोट कर लीजिए। फिर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बार मैग्नेट है इस तरीके से, ये आपको दे रखी है, ये एक कॉइल में गिर रही है, जैसे अभी एक सिंगल कॉइल थी, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स वाली कॉइल ले ली, ये गिर रही है। तो कह रहे हैं ड्रॉ अ ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वोल्टेज प्रोड्यूस अक्रॉस द कॉइल वर्सेस टाइम। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से एक ग्राफ बनाइए जिसमें टाइम के साथ वोल्टेज का मतलब ईएमएफ कह लो या वोल्टेज में क्या चेंज आ रहा है। भाई जैसे जैसे ये नीचे गिरेगी टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम के बढ़ने वो नीचे गिरने से इससे लिंक्ड फ्लक्स बढ़ेगा और फ्लक्स के बढ़ने से ईएमएफ बनेगा, वोल्टेज बनेगा। तो क्या फर्क आएगा वोल्टेज में टाइम के साथ साथ वो हमें बताना है। तो प्यारे सिंपल सी बात है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो शुरुआत में फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, लेकिन प्यारे जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो इंक्रीजिंग इंड्यूस ईएमएफ होगा। ध्यान से सुनो, टाइम बढ़ने से नीचे गिरने से ईएमएफ तो बनेगा लेकिन इंक्रीजिंग ईएमएफ का क्या मतलब है वो देखते हैं। फिलहाल क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है इसलिए हम ये क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ग्राफ इधर भी टाइम ले लेते हैं, इधर भी टाइम, ग्राफ हम इस तरीके से ऐसे बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे ही नीचे गिरेगा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ बनेगा, लेकिन इंक्रीजिंग ईएमएफ इस तरीके से ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा इंक्रीजिंग ईएमएफ यारे, क्योंकि आप देखिए जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो नीचे गिरते गिरते एक्सेलरेशन होने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, आपको तो फैराडेज लॉज में बताया है कि ईएमएफ डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितनी तेजी से मैग्नेट को पास में लाएंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा। तो पहले हल्के हल्के नीचे आ रही थी लेकिन नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो और तेजी से नीचे आती है, और जितनी ज़्यादा तेजी से नीचे आएगी उतना ईएमएफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे ईएमएफ बढ़ता रहेगा, लेकिन फिर भैया डिक्रीज भी होने लगेगा। क्यों डिक्रीज होने लगेगा, इसलिए डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि जब ये अंदर आने लगेगी तो आप देखिए ये जब पूरी की पूरी अंदर एंटर कर चुकी होगी, जब तक अंदर एंटर नहीं करी थी तब तक तो फ्लक्स बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे अंदर एंटर करने लगेगी फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा, और पूरी तरीके से अगर अंदर आ जाएगी तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं होगा, ईएमएफ वापस से कम होते होते जीरो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा जब ये बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने से अब इस ऊपर वाली कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स के डिक्रीज होने से फिर से ईएमएफ बनेगा, लेकिन अब की बार जो ईएमएफ बनेगा फ्लक्स के डिक्रीज होने से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा ना। तो अगर एक ईएमएफ आपने पॉजिटिव में बनाया तो अब की बार का ईएमएफ नेगेटिव में बनाओगे, ये दिखाने के लिए कि ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो यही चीज ग्राफ आप नीचे ले जाओगे फिर से वही नीचे जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ेगा तो ईएमएफ ज्यादा बनेगा। इंक्रीजिंग ईएमएफ आपने दिखाया है, ईएमएफ बढ़ता जाएगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है।
लेकिन जब बहुत नीचे जली जाएगी प्यारे, तो इससे इसकी जो विसिनिटी है वो ख़त्म होती जाएगी, बहुत दूर जाती जाएगी, तो ऊपर वाले से कोई भी फ्लक्स लिंक्ड नहीं होगा, बहुत दूर चली जाएगी तो कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा, तो फ्लक्स आखिरकार में जब ज़ीरो ही हो जाएगा तो EMF भी वापस से ज़ीरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बसा लो कैसे समझाया। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अलग से, जो आप नोट कर पा रहे हैं प्यारे, कि यहाँ पे जो पीक बनाया मैंने वो छोटा बनाया है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा डीप बनाया है। इसका भी अपना एक खास मतलब है। खास मतलब ये है कि जब ये नीचे गिर रही थी यहाँ पर, तो स्पीड यहाँ पर भी बढ़ रही थी, स्पीड यहाँ पर भी बढ़ रही थी, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है मैग्नेट की गिरने की स्पीड ज़्यादा कहाँ रही होगी, ऊपर की तरफ रही होगी या नीचे की तरफ रही होगी? ऑब्वियसली नीचे गिरते गिरते स्पीड बढ़ती है, तो 10, 15, 20 मीटर पर सेकेंड, नीचे आते आते 40, 50, 60, तो नीचे स्पीड ज़्यादा हो गई होगी ना उसकी। नीचे स्पीड ज़्यादा रेट से गिर रही होगी तो स्पीड भी नीचे ज़्यादा रही होगी, तो नीचे जो EMF बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा। ये दिखाने के लिए कि नीचे के केस में EMF ज़्यादा बनेगा, ये यहाँ पे हमने EMF ज़्यादा नीचे तक ले आए हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उम्मीद है समझ पा रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। एक क्वेश्चन अब आ रहा है आपका क्विज का क्वेश्चन, जो इतना मैंने समझाया अगर समझ में आया है तो आपको खुद आंसर करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, अपने आप समझना है। एक फिगर दे रखी है आपको, इस फिगर के अकॉर्डिंग ए और बी दो केसेस में आपको आंसर करना है। दिमाग चलाओ अपना, ध्यान से पॉज करके पढ़ो और मुझे आंसर करके बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके, एंड लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। आंसर का रिप्लाई मैं आपको दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है प्यारे? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आज के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे। एक सवाल आता है दिमाग में कि सर, इज लेंस लॉ अ कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या सर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवैलिड तो नहीं हो रहा है? लग रहा है ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस में सोच के, शायद कुछ बच्चों के दिमाग में आया भी हो ये क्वेश्चन कि सर, अगर किसी एक कॉइल है, इस तरीके से कॉइल है, इस कॉइल के पास अगर हम कोई मैग्नेट ला रहे हैं तो पास में लाने से फ्लक्स इंक्रीज होता है सर, फ्लक्स इंक्रीज होता है, जैसे आपने बताया फ्लक्स इंक्रीज होता है पास में लाने से, ठीक है सर? ओके, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है जिससे इंड्यूस करंट इसमें बनेगा पास या दूर ले जाने से, लेकिन सर इंड्यूस करंट बना यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई। सर हमने तो पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर इसमें अपने आप कैसे एनर्जी बन जा रही है? हमने कहा था एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो सर यहाँ पे कौन सी फॉर्म से कौन सी फॉर्म में बन रही है? ये तो सर यहाँ पे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट हो गई अपने आप मैग्नेट को पास में लाने से, क्या यहाँ भी कोई एनर्जी कन्वर्जन हुआ है? सर ऐसा लग तो नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ फेल है। क्या फेल हो सकता है? नहीं प्यारे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिवर्सल है, वो कभी फिजिक्स में फेल नहीं हो सकता। एनर्जी लॉज हो सकती है किसी दूसरी फॉर्म में, लेकिन फेल नहीं हो सकता लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताया जाता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। साथ साथ में एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी है जो ये कहती है कि वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी भी बॉडी पे जितना हम वर्क करते हैं वो वर्क उसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या कोई बॉडी जितनी एनर्जी लॉस करती है उससे वो कुछ ना कुछ वर्क करती है। तो यहाँ पर भी कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम है। बात आई कि सर इसमें एनर्जी कहाँ से आई, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आई, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई है वर्क से जो हमने किया है अपनी एनर्जी लगा के। प्यारे यहाँ पे मैग्नेट को पास में लाएंगे इस कॉइल के, तो पास में लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये अपने आप आ जाएगी? भैया वर्क करना पड़ेगा, वर्क करेंगे। 10 जूल का हमने वर्क किया तो वही वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एनर्जी बनती है। बोले सर ये लेंस ने ये कैसे पहचाना कि जो इंड्यूस करंट बनेगा वो ऐसे बनेगा कि वो जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज किया जा सके? सर ये कैसे निकाला उसने? तो प्यारे जान लो, अभी मैंने कहा जितना हम वर्क करेंगे, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ,
जितना हम वर्क करेंगे उतनी इसमें एनर्जी आ जाती है, वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ बन जाती है। लेकिन प्यारे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। वर्क होगा तो तभी ना जब कुछ फोर्स लगेगी, बिना फोर्स के तो वर्क नहीं होगा ना प्यारे। अभी मैं इस पेन को जमीन पे खिसकाऊं तो मुझे अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी एक अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट। कौन सी अपोजिंग फोर्स होगी? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट मुझे धक्का मारना पड़ेगा इसे आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरी फोर्स तभी लगेगी जब कोई अपोजिंग फोर्स हो, तभी वर्क करूंगा मैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो ये तो अपने आप ही चला जाता, मुझे फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे हल्का सा ऐसे करता अपने आप आगे खिसकता चला जाता। तो वर्क तभी होता है जब एक अपोजिंग फोर्स लगे। कोई भी हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं किसी बॉडी पे तो वो तभी होता है जब एक्सटर्नल, जब उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगे। तो आप देखिए मैग्नेट को अगर हम आगे ले जाने में अपना इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क तभी करेंगे जब इस पर कोई अपोजिंग फोर्स हो। अपोजिंग फोर्स तभी लग सकती है अगर इधर नॉर्थ पोल हो, तो इधर कौन सा पोल बने जो इसको अपोज करे? ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा, तभी वो इसको अपोज करेगा, तभी उसके अगेंस्ट फोर्स लगाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो लेंज लॉ जो है वो यहीं से उसने बताया कि इस अपोजिट पोल क्यों बनने पड़ेंगे। अब समझ में आई, वर्क कर रहे हैं उतनी एनर्जी बनेगी, वर्क करने के लिए अपोजिंग फोर्स चाहिए, तो जितनी अपोज तभी होगा जब सेम पोल बनेगा। ऐसे ही अगर इसे दूर ले जाते तो दूर खींचने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स तो हम तभी लगाएंगे ना जब उसको वापस कोई खींच रहा होगा, वरना फोर्स ही कहाँ लगेगी, फ्री में आ जाएगा। वर्क तो तभी होगा ना जब किसी फोर्स के अगेंस्ट हम उसे खींचेंगे। ऑब्वियसली इधर क्या बनना पड़ेगा? साउथ बनना पड़ेगा, तभी ये इसको खींचेगा। जिस फोर्स के अगेंस्ट हम इसे लाएंगे तो कुछ वर्क होगा, जो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो लेंज लॉ इज द कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसमें इतनी एनर्जी आती है जितना हम उस पर वर्क करते हैं। बोले कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि सर व्हाट इफ लेंज लॉ इज नॉट वैलिड, अगर लेंज लॉ वैलिड नहीं होता तो भैया फिर क्या होता? भैया लेंज लॉ की सेम पोल ना बने यहाँ पे, इस तरीके से अपोज करने के लिए पोल ना बने तो क्या होता भैया? मान लें कि ये पास में ला रहे हैं, पास में लाने से यहाँ नॉर्थ पोल ना बन के साउथ पोल बन जाता तो क्या होता? लेंज लॉ का उल्टा अगर होता तो क्या होता? अरे प्यारे अगर साउथ पोल बन जाता तो क्या होता? हम यहाँ पे धक्का लगा के उसे पास में ला रहे थे, जो हम वर्क कर रहे थे उतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही थी। अरे फिर तो हमें वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ को अपने आप ही खींच लेगा, अपने आप ही खींच लेगा। और खींचेगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होने से इसमें इंड्यूस करंट बन जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगी बिना वर्क करे। हमने कोई वर्क करा नहीं, उनने अपने आप खींच लिया और इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई बिना वर्क के एनर्जी। अरे भैया क्या फिजिक्स फेल करनी है क्या? दुनिया को उलट पुलट करना है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो फिर गजब हो जाएगा। बिना वर्क के एनर्जी बन जाएगी ऐसा हो ही नहीं सकता, फिजिक्स के नियमों के खिलाफ हो जाएगा। इट विल एक्ट एज अ परपेचुअल मशीन, जो अपने आप ही एनर्जी बनाती जाती है बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के, अपने आप भी वर्क करती जाती है। ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लेंज लॉ वैलिड होना ही पड़ेगा। अगर नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ बनना ही, अपोज करने के लिए नॉर्थ बनना ही पड़ेगा, साउथ नहीं बन सकता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो उम्मीद है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था, शायद एक घंटे का बन गया है, लेकिन पूरी तरीके से मैंने लेंज लॉ यहाँ पे आपको समझा दिया है कि क्या होता है, उसके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, लेंज लॉ का रीज़न, सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। लेकिन एक चीज़ रह गई है, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन, जो हमने फैराडेज लॉ पढ़ा, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया, फैराडेज का फॉर्मूला पढ़ लिया, उस पर बेस न्यूमेरिकल्स भी तो होंगे। वो न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से सेशन लाने वाले हैं, लेक्चर लाने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3। जो अटेंड करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ऊपर से आई बटन पे क्लिक करके अगला लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आगे पीछे सारे लेक्चर्स के इस चैप्टर के लिंक्स गिवन होंगे ही होंगे। तो प्यारे जो मैंने पहले बोला, पीछे जाइए और पॉज करके मेरा आंसर बिना देखे अपने आप आंसर निकालने की कोशिश करिए, तभी मानना कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल प्यारे मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।